वेलकम टू माई चैनल, दिस इज मीनाक्षी, होप यू आर डूइंग गुड। आज आप ये जो मेकअप लुक देख रहे हैं, मैंने दिवाली के लिए ये मेकअप लुक किया है। ये मेकअप लुक काफी इजी है गाइस। इसमें मैंने स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आई शेडो यूज किया है और सिंपल कुछ आई शेडो यूज किया है। इसमें मैंने ट्रेडिशनल मेकअप लुक किया है जिसमें मैंने साड़ी पहना है और इसका मैंने हेयर स्टाइल का भी वीडियो बनाया है गाइस। इसका वीडियो मैं उसे अलग पोस्ट करूंगी। और इसमें मैंने ये ट्रेडिशनल हेयर बैंड है, इसमें आप कैसे हेयर स्टाइल कर सकते हैं आप इसका वीडियो आप अलग देखेंगे। इसमें आगे से कुछ कर्ल किया है और काफ़ी सिंपल है। मैंने पीछे डोनट लगाया और फ्लावर लगाया। इस तरीके से आप कोई भी सिंपल हेयर स्टाइल कर सकते हैं, इजीली आप एक बन से हेयर स्टाइल कर सकते हैं। मैंने जो ये साड़ी पहना है, बेसिकली ये मैंने ऑफलाइन ही परचेस किया था, काफ़ी पुराना साड़ी है। मुझे इस लुक के लिए यही साड़ी, मैंने बहुत पहले से सोचा था कि दिवाली में मुझे यही साड़ी पहनना है, तो मैंने वो लोकल मार्केट से परचेस किया था। ये जो ज्वेलरी है ये मैंने कोलाबा से परचेस किया था, मुंबई से। और ये जो आप हेयरबैंड देख रहे हैं ये आपको अमेजोन में मिल जाएगा, इसका लिंक मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। फर्स्ट आई एम अप्लाइंग पॉन्ड्स मॉइस्चराइजर ऑन माई फेस एंड नेक। After that, I am using Inside HD color corrector, that is orange color corrector, on my dark spots with flat brush. जहाँ जहाँ dark spots हैं मैं वहाँ apply कर रही हूँ, under eye में भी apply कर रही हूँ। मैं अभी आई मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे कंसीलर ऑन माय आईज। अभी एक फ्लैट ब्रश लेके अपने कंसीलर को स्प्रेड कर रही हूँ, फिर मैं लूज पाउडर को लेके अपने आई लीड में अप्लाई कर रही हूँ। मैं यूज़ कर रही हूँ मार्स आई शेडो पैलेट ऑन माय आईलिड। बेस कलर के लिए मैं ये शेड यूज़ कर रही हूँ, अपने पूरे आईलिड में और लोअर आईलिड में भी अप्लाई कर रही हूँ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ एक शिमर आई शेडो ऑन माय आईलिड। मैं एक डार्क शेड को लेके अपने आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ और बाहर की तरफ स्प्रेड कर रही हूँ। लोअर आईलिड में भी आई शेडो को अप्लाई कर रही हूँ। मुझे मेरे मेकअप लुक के लिए ग्लिटर लुक चाहिए था, इसलिए मैंने अप्लाई किया स्विस ब्यूटी ग्लिटर आई शेडो। ये मैं अपने पूरे आईलिड में अप्लाई कर रही हूँ।
आउटर कॉर्नर में अप्लाई कर रही हूँ एक डार्क आई शेडो टू मेक द आई शेडो लुक ब्लेंडेड। आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड करने के लिए एक फ्लफी ब्रश यूज कर रही हूँ और पूरे आई शेडो को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। एक लाइट शेड आई शेडो को लेके ब्लेंड कर रही हूँ। मैं यूज कर रही हूँ फॉल्स लैशेस ऑन माई आई लीड्स टू एनहांस द आई लुक। I am using Wet n Wild eyebrow palette on my eyebrow. Dark brown shade को लेके मैं अपने eyebrow में apply कर रही हूँ, फिर मैं eyebrow gel से set कर रही हूँ। Next मैं use कर रही हूँ Lakme Iconic mascara on my falsies and on lower lashes. For the liner, I am using Swiss Beauty black eyeliner on my eyelid. Foundation के लिए मैं use कर रही हूँ Nykaa All Day Matte Foundation all over my face and neck by mixing with Swiss Beauty Real Makeup Base Highlighting Primer. एक highlighting look के लिए मैं ये primer use करती हूँ और beauty blenders के help से blend कर दूँगी। मैं यूज़ कर रही हूँ लैक्मे कंसीलर अंडर माय आईज़। मैं क्वांटिटी थोड़ा कम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन ने काफ़ी कवरेज कर दिया था। एक हाइलाइटिंग इफेक्ट के लिए मैं सेम कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। अब ये कंसीलर को ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से ब्लेंड कर दूँगी। कंसीलर को सेट करना बहुत ज़रूरी है। मेबेलिन लूज पाउडर से मैं अपने कंसील एरिया को सेट कर रही हूँ। मैं पूरे फेस में बहुत ज़्यादा पाउडर लगाना पसंद नहीं करती, जितना रिक्वायर्ड है उतना ही अप्लाई करती हूँ मैं। फॉर द ब्लश आई एम यूजिंग स्विस ब्यूटी ब्लश ऑन माई चीक्स। ब्लश को अपवर्ड डायरेक्शन में अप्लाई कर रही हूँ। सॉफ्ट ब्रॉन्जर के लिए मैं यूज कर रही हूँ सुगर पैलेट ऑन माई चीक्स, ऑन माई जॉ लाइन एंड ऑन माई नोज। हाइलाइटर के लिए मैं यूज कर रही हूँ मेबेलिन मास्टर क्रोम हाइलाइटर ऑन माई नोज, चीक, फोरहेड, क्यूपिड बो एंड चिन। हाइलाइटर को अपने ब्राउ बोन और टियर डक में अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक के लिए मैं यूज कर रही हूँ स्विस ब्यूटी NY बे और पर्पल को मिक्स करके अप्लाई कर रही हूँ। लिपस्टिक का शेड अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अब पूरे मेकअप को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ फेसेस कनाडा का मेकअप फिक्सर ऑल ओवर माय फेस। हेयर स्टाइल में मैंने जोड़ा बनाया है और ट्रेडिशनल हेयर बैंड लगाया है। इस वीडियो में जो हेयर स्टाइल किया है इसका वीडियो आने वाले वीक में आएगा, डू चेक आउट गाइस। फॉर दिस लुक मैंने एक छोटी सी स्टोन बिंदी लगाई है गाइस। नाउ आई एम रेडी। Thank you.
गाइज देखा आपने ये मेकअप लुक, ये मेकअप आप कोई भी फेस्टिव सीजन में कर सकते हैं गाइज। आप ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक भी कर सकते हैं या पार्टी लुक के लिए भी ये मेकअप कर सकते हैं। और गाइज मैंने मेकअप को काफ़ी सिंपल रखा है और ये इजीली आप दिवाली में इतना हैवी मेकअप नहीं करेंगे तो इस तरीके का मेकअप आप कर सकते हैं। और साड़ी के साथ आप ये कर सकते हैं या कोई कुर्ती के साथ आप ये मेकअप लुक कर सकते हैं। ये था मेरा दिवाली मेकअप लुक। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर देना ये वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।